फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में पहला फैक्टर है अफेक्ट ऑफ हाइट या ऑल्टीट्यूड ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब आप मान लें अर्थ के सरफेस के ऊपर हैं, अर्थ की सरफेस के ऊपर स्मॉल जी का फॉर्मूला बताओ क्या है, जी एम बाय कैपिटल आर स्क्वायर, अभी किया सरफेस के ऊपर, और एच हाइट ऊपर कितने हैं, जी एम बाय आर प्लस एच स्क्वायर, वेयर कैपिटल एम इज मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ अर्थ। तो हाइट अटेन करने से ये डिस्टेंस बढ़ रहे हैं, डिस्टेंसेस सेंटर से लेने हैं, और अगर ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू घटती है जैसे जैसे आप हाइट अटेन करते हैं। तो कैसे घटती है, आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर दें और ये फॉर्मूला तो लिखें, ये लिखें एक बार अपनी कॉपी में, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में अफेक्ट ऑफ हाइट या ऑल्टीट्यूड ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हाइट या ऑल्टीट्यूड में ये लिखें, तो हाइट हेडिंग डालें, अर्थ बनाएं, सरफेस के ऊपर जी का फॉर्मूला लिखें, एच हाइट पर जी का फॉर्मूला लिखें जी डैश, और इन्हें डिवाइड करके ये फॉर्मूला लिखें। तो ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है जी डैश बाई जी का ये फॉर्मूला। तो अब अगर क्वेश्चन में आपको ये दे दिया जाए कि हाइट मान लो आर बाई फोर है, तो तुम आर बाई फोर डिस्टेंस ऊपर चले गए, तो तुम जी डैश निकाल लोगे, तुम हाइट की जगह क्या पुट करोगे, आर बाई फोर, सॉल्व करके जी डैश इन टर्म्स ऑफ जी निकल जाएगा, और जी की वैल्यू तो 9.8 है, सरफेस के ऊपर 9.8 है, तो नई जी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेट आंसर है। लेकिन इसकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, यहाँ तक कर लिया आपने, और प्लीज़ फॉर्मूला रजिस्टर मेंटेन करते रहें, मैं लिखवाऊँ या ना लिखवाऊँ, जो भी ये पोर्शन है इसको यहाँ हाईलाइट कर लें, घर जाके हर इंपॉर्टेंट चीज़ को ज़रूर लिखें, क्योंकि इन दी एंड जब फुल सिलेबस टेस्ट होंगे प्लस टू में जाके आपको फॉर्मूला जस्ट ही बचाएगा। ठीक, तो अब ये ध्यान से देखना, पहले स्टेप समझ लें फिर लिख लेना, यहाँ तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ से डिनोमिनेटर से कैपिटल आर को बाहर निकाल लो, तो क्योंकि होल स्क्वायर है तो कैपिटल आर स्क्वायर बाहर आएगा, क्या बचेगा, इसकी जगह 1 और इसकी जगह h बाय r बचेगा, तो ये टर्म आ गई, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल है, ये टर्म ऊपर चल लेके जाओ तो क्या आएगा, रेज टू पावर -2, क्योंकि स्क्वायर है ऊपर जाने में -2। अब लास्ट में काम करना है, ये -2 बाइनोमियल आप लोगों ने मैथ्स में की होगी, तो बाइनोमियल के अकॉर्डिंगली अगर ये टर्म 1 है, और सुन लें मैथ्स में फिजिक्स की एप्लीकेशन है, बाइनोमियल में ये जो -2 की एक्सपेंशन हैं वो की जाती हैं, क्योंकि जो भी पावर्स हैं वो पूरी टर्म एक्सपैंड हो जाती है। फिजिक्स में हम क्या करते हैं, इसको जब एक्सपैंड करते हैं तो मैथ्स में तो बहुत सारी टर्म्स निकलती हैं बाइनोमियल में, हम सिर्फ एक टर्म लेते हैं फर्स्ट टर्म, क्या करते हैं -2 का इससे क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई और बाइनोमियल वहाँ पर लगती है जब ये वाली टर्म छोटी है, बहुत छोटी है एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, अगर न्यूमिनेटर बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर और आप इस टर्म को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आप इसे और इसे क्या कर दें मल्टीप्लाई। हमने एरर्स में भी एक बार किया था, तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टर्म एक्सपेंड मानी जाती है, तो ये मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या टर्म आएगी, ये आएगी, और जी की वैल्यू को राइट साइड पर ले जाएँ और ये वैल्यू आएगी, तो जी डैश इज जी इंटू 1 - 2h/r का फॉर्मूला और डेरिवेशन यहाँ तक करें, और ये यूज़ करें या ये यूज़ करें, कौन सा फॉर्मूला कब यूज करें वो मैं आपको अभी बताता हूँ, आप ये फॉर्मूला नोट कर लें। एक्सक्यूज मी सर, बोलो सर, एक बार फिर से बताना सेकंड स्टेप से। मैंने ये बताया कि इसमें कैपिटल आर कॉमन आ गया क्योंकि होल स्क्वायर था तो आर स्क्वायर आ गया, तो ये 1 हो गया, ये एच बाई आर हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसको ऊपर ले गए -2 हो गया पावर, और बाइनोमियल लगा के इसे और इसे मल्टीप्लाई करके इसको एक्सपेंड कर लिया,
एक्सपैंड करके ये वैल्यू आ गई। अब मुझे सिर्फ ये बताना है कि आपके पास अब दो फॉर्मूला बन चुके हैं, कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये तरीका मैं आपको भी बताता हूँ। ठीक है यहाँ तक, तो ये आपके पास जी डैश की वैल्यू आ गई। क्या लगता है आपको, जब न्यूमेरिकल चलेंगे तो दोनों में से अगर मैं ये पूछूं कौन सा एक्यूरेट फॉर्मूला है जो सही रिजल्ट देगा और कौन अप्रोक्सीमेट दे सकता है, वो एक्यूरेट है और ये अप्रोक्सीमेट है? ओके, वैसे भी मॉडिफाई किया हुआ है तो ये अप्रोक्सीमेट ही होगा, वो तो नेचुरल फॉर्मूला चल रहा है। देखो ये बिल्कुल सही फॉर्मूला है, लेकिन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर बहुत बड़ा बनने वाला है, क्योंकि 60, देखो ग्रेविटेशन की एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अब 10-15 किलो के नहीं रहे, अब तो ऑब्जेक्ट ही अर्थ की बातें हो रही हैं, डिस्टेंस भी कई किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर में चलने हैं, तो तुम्हारी कैलकुलेशन भी फिर ऐसी चलनी है। तो सोचो मैं तुम्हें कहूँ कि एच की वैल्यू 1500 किलोमीटर है तो, और जी डैश निकाल दो, तो सोचो तुम यहाँ पर 6400 किलोमीटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 6400 किलोमीटर प्लस 1500 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करना मतलब टाइम कंजम्पशन हो जाएगा। तो फिर हमने क्या किया, एक शॉर्टकट मारा, बाइनोमियल लगा के इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई कर दिया। पर मैं एक चीज़ पक्का बता सकता हूँ, ये फॉर्मूला 90% तो ठीक काम करता है। और कहाँ काम करता है, जहाँ आपकी एच की वैल्यू बहुत बड़ी नहीं है, छोटी है, वहाँ तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपकी एच 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, आर के मुकाबले रेडियस आर क्या है, 6400 किलोमीटर्स, और अगर तुम्हारी हाइट मान लो 2000 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर है, फिर गलती से ये मत यूज़ कर देना, ये तो छोटी हाइट के लिए वैलिड है। जब एच स्मॉल है, स्मॉल कितना, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, चलो 400 किलोमीटर, पर अगर तुम कहो 4000 किलोमीटर, ना, जब एच की वैल्यू 1000 में चली जाएगी, सोचना भी मत वो यूज़ करने की, फिर तो बस यही लगाना, यही आपको सही आंसर देगा, वो आपको गलत आंसर दे सकता है। लेकिन जहाँ हाइट 100-200 किलोमीटर है, फटाफट ऑब्जेक्टिव करने हैं, सब्जेक्टिव करने हैं, डन, लगा देना, आंसर आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, तो इसको करने के लिए ज़रा इस क्वेश्चन को देखें, ज़रा ये रहा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो, मान लो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपकी बुकलेट में लिखा भी हुआ है, आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है, जब हाइट कितनी है 400 किलोमीटर। अब मैंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है, मैंने क्या किया, मैंने दोनों फॉर्मूला यूज़ करके देखा, देखूँ तो सही कहाँ फ़र्क आ रहा है। तो पहले मैंने ये शॉर्टकट लगा दिया और मैंने जी को 9.8 पुट किया, कैपिटल आर को मैंने 6400 पुट किया, एच को मैंने 400 पुट किया, और मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करके आंसर 8.5 आ रहा है। फिर मैंने कहा चलो एक्चुअल मेथड लगा के देखें, ये तो एक्यूरेट फॉर्मूला है। फिर मैंने ये फॉर्मूला लगाया, इस फॉर्मूले में मैंने जी को 9.8 पुट किया, कैपिटल आर को पुट किया 6400 और एच को फिर 400, और मैंने आंसर निकाला कितना आया, 8.6। अब देखो ना, यहीं से दिख रहा है, और अभी तो हाइट सिर्फ 400 है, और अगर ये हाइट 4000 होती तो 100% यहाँ पर आंसर में बहुत ज़बरदस्त वेरिएशन था। तो इसलिए 400 किलोमीटर तक भी चलता है, 0.6 और 0.5 में कोई खास अंतर नहीं है। पर जहां तुम 800, 900, 1000, 1500 मत लगाना शॉर्टकट, यही लगाना। अब स्टूडेंट ये पूछता है, सर मेरे को ना बस हाइट बता दो, कितनी हाइट के नीचे फॉर्मूला नंबर शॉर्टकट लगेगा और कितनी हाइट के ऊपर दूसरा फॉर्मूला लगेगा, मेरे पास ऐसा कोई है ही नहीं तरीका। मैंने तो एक चीज़ नोट किया, या तो क्वेश्चन पूछने वाला ही बड़ा समझदार होता है, या तो वो हाइट ही आपको 200-400 किलोमीटर देगा बस, या फिर वो 1500-2000-3000 हाइट देता है। तो मैं समझ जाता हूँ कि या तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगवा रहा है या नीचे वाला, वो आप देख लेना। बट पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, हाइट के साथ कैसे चेंज होगा। जैसे क्वेश्चन है, हाइट निकालो, ऐसा इसी का एक और क्वेश्चन है, हाइट निकालो सच दैट ऑल्टीट्यूड पे, हाइट पे जाके आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 64% रह गई जितनी एक्चुअल जी थी। अब मुझे एक बात बताओ, 64% रह गई,
क्या बोलते हो, शॉर्टकट वाला फॉर्मूला लगाएं कि एक्चुअल फॉर्मूला लगा दें? क्यों, तुम्हें कैसे पता एक्चुअल शॉर्टकट नहीं, क्यों नहीं? हाँ 64%। देखो आप एक पॉइंट को समझो, ये अर्थ है यहाँ पर, चलो जी 9.8 है, तुम्हें क्या लग रहा है तुम टॉप और छत पे चले जाओगे तुम्हारा जी चेंज हो जाएगा? तुम्हें क्या लग रहा है तुम दुबई में बहुत बड़ी बिल्डिंग पे खड़े हो जाओगे और तुम्हारा जी चेंज हो जाएगा? अच्छा तुम्हें क्या लग रहा है तुम माउंट एवरेस्ट पे खड़े हो जाओगे तो भी तुम्हारा बहुत ज़बरदस्त जी चेंज हो जाएगा? नहीं होता। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अर्थ का एटमोसफेयर, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है। तुम कहीं भी कई हज़ार किलोमीटर ऊपर चले जाओगे ना तो भी तुम्हें अर्थ छोड़ेगी, नीचे बुलाई लेगी, इतना बड़ा अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो यानी कि अगर तुम ऊपर जाते हो और कई सौ किलोमीटर हज़ारों किलोमीटर में ऊपर जाते हो तो जाके जी में वेरिएशन आती है, जल्दी जल्दी जी चेंज नहीं होता, मेजर चेंज नहीं होता। और ये तो कह रहा है मेरा जी 64% रह गया, 64% तो बहुत होता है, तो 64% का मतलब गलती से भी शॉर्टकट मत लगाना, एक्चुअल मेथड लगाना। मैंने लिख दिया इसमें, यहाँ पर गलती से भी शॉर्टकट मत लगाना, आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो आप यही मेथड लगाना और जी डैश को क्या पुट करना, 64% ऑफ जी, तो जी से जी कैंसिल करना, अंडर रूट लेना, सॉल्व करना, आर बाय फोर, आर बाय फोर का मतलब आर कितना होता है, 6400 किलोमीटर बाय फोर कितना हुआ, 1600 किलोमीटर बहुत होती हैं। आप अंदाज़ा लगा लो आपकी सेटेलाइट्स जो हैं जो चल रही हैं, कई सेटेलाइट्स कितने हाइट तक हो सकती हैं, 400 500 600 700 पे चल पड़ती हैं, मतलब सेटेलाइट जो दिख भी नहीं रही इतनी ऊपर है वही 400-500 किलोमीटर पे चल रही हैं, तो सोचो ये तो बहुत ही ऊपर चले गए उससे। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो ये बड़ी वैल्यू है। तो क्लियर है यहाँ पर वैल्यू कैसे लगेगी?